आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठ कर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे और लंबी ज़िंदगी दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सब्ज़ी ले आई हूँ, सब्ज़ी इतनी महंगी है कि देखो आधी आधी सब्ज़ी काट के उन्होंने दी है। मैंने कहा मुझे 20 रुपए का प्याज दे दो, एक साबुत दिया है और एक आधा काट के, और ये भी मैंने आधी ली है। इसलिए क्या अब्दुल्ला के लिए सूप बनाएंगे, लेके आई हूँ ये सब्ज़ी। बाकी मसाला कुछ घर पड़ा है, अदरक प्याज लहसुन, तो वो बनाते हैं। और आपने जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बच्ची मुझे देखे जा रही है, क्या देख रही हो? अच्छा जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुश बाश रखे, अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। तो ये देखें, घर का काम शाम हो गया है, कमरे को साफ कर लिया है, और अब बिस्तर भी लपेट के रख देते होते हैं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप निकलने लग गई है तो बाहर बैठते हैं। और क्योंकि पूरा दिन धूप निकलती है तो फिर शाम को भी मौसम अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है ना वो नहीं होती, सर्दी होती है लेकिन मतलब नॉर्मल सर्दी होती है, वो एक जो पहले थी ना हड्डियों में घुसने वाली सर्दी, अब वो नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मौसम अब बेहतर हो गया, धूप निकलने लग गई है। तो कल मैं नहाई थी ना, तो मेरी जो स्वेटर है वो फिर मैंने नहीं पहनी, क्योंकि वो गंदी हो चुकी है काफ़ी, तो मैंने कहा फिर वो मैं नहीं पहनती। फिर मुझे रात को ना बड़ी सर्दी लग रही थी, तो अम्मी ने फिर ये वाली स्वेटर दी है। ये है तो काफ़ी बड़ी सी, खुली खुली, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पहन तो लूँ, सर्दी मुझे बड़ी लग रही थी स्वेटर के बगैर। बहुत वो बार बार ना मेरी आँख भी खुलती जा रही थी, क्योंकि मुझे स्वेटर पहनने की आदत हो गई है। नादियाँ जा रही थी, यहाँ से हमारी जो गली है ना वहाँ पे, फिर अगर नादिया बाहर जाती है या बाहर से आती है, तो अगर हम कमरे के बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठे हो ना, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, तो सामने फिर बंदा नज़र आता है, तो वही मुझे देख के हंस रही थी। अब्दुल्लाहर नो, ये जो अम्मी की दवाइयाँ मंगवानी होती है ना, ये भी उनके रैपर अम्मी ले आई हैं। मामू को फ़ोन किया है, मामू को फ़ोन किया है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं ला देता हूँ। अभी आएंगे ना, मैंने कहा ढूंढ के रख दूँ, फिर उसी वक्त ना ढूंढने लगूँ। ये भी मंगवानी है, ये एलर्जी की है, बारिश होती है मुझे चेहरे पे इधर सारे। आज मेरा दिल किया कि मैं सूप बनाती हूँ। वैसे मैं कब से ही सोच रही थी पर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सूप बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आज मैंने कहा मौसम तो अब काफ़ी बेहतर हो गया, चलो अब बनाती हूँ। वैसे भी अब्दुल्लाह को भी ज़ुकाम लगा हुआ है, रात को भी वो नाक उसका बंद था, बार बार उसकी आँख खुल रही थी। तो हर चीज़ें यहाँ पर मैंने सारी मंगवा ली हैं, सब्ज़ियाँ भी काट ली हैं, गाजर, बंद गोभी और लहसुन प्याज छील लिया है। और ये देखें, ये चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल छोटी छोटी काट के वो रख ली हैं, और सब कुछ मैंने धो के रेडी करके रख लिया। ये यखनी के लिए अलग से कुछ बोटियाँ मैंने निकाली हैं, जो हड्डी वाली होती हैं वो अलग से रखी हैं, और सबसे पहले यखनी बनाएंगे। मैं कॉर्नफ्लोर ले आई थी जब हम गए थे ना बाज़ार, तो मैंने काफ़ी दिन से क्योंकि सोचा हुआ था ना कि मैं बनाऊँगी, तो उसमें एक जो मेन चीज़ होती है कॉर्नफ्लोर, वो फिर मैं ले आई थी बाज़ार जब गए थे। अच्छा, यहाँ पे यखनी रख दी हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गोश्त डाला है, एक प्याज डाला है, अदरक और लहसुन डाला है, और दो हरी मिर्चें डाली हैं, और उसके अलावा मैंने इसमें नमक भी डाला था, वो शायद मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ। हाँ जी, नमक भी डाला था। तो ये आप चाहे तो कुकर में भी यखनी बना सकते हैं, तो हमने तो खैर नॉर्मल देगची में ही बनाई थी। अच्छा हाँ, नमक भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छा, ऐसा हुआ कि हमने यखनी रखी कि भाई चलो ये थोड़ी देर पक जाए फिर अगला काम करेंगे, और 15-20 मिनट हुए होंगे, तो ऐसा हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। यहाँ पे अम्मी काली मिर्च ले आई थी, और अम्मी काली मिर्च को पीस रही थी। हमने काली मिर्च का पाउडर नहीं लिया दुकान से, क्योंकि उसमें ना वो जायका नहीं होता जो घर में बंदा वो करता है ना फ्रेश,
जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही होगी। तो मैंने कहा अम्मी आप ना साबुत ले आए, फिर उसको घर में ही पीस लेते हैं। अंडे भी मैंने मंगवा लिए थे जो कि ज़रूरत होते हैं सूप में डालने के लिए। अब ये देखें यहाँ पे मैं चेक करने के लिए देखा जब कि कितनी बन गई है यखनी, तो ये तो कोई उबाल ही नहीं आ रहा था। नीचे देखा तो चूल्हा बंद। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, सूप अभी हमारा अधूरा था तो हो गया था ख़त्म सिलेंडर। ये देखें तो फिर मामू को फ़ोन मिलाया है। चले अब सिलेंडर आ गया, अब दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बना था, यखनी पूरी बनी नहीं थी। यखनी के नीचे चूल्हा जला दिया तो यखनी बन रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटी बोटियाँ मैंने काट के रखी थी उसको मैरिनेट कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एक चम्मच, और एक आधा चम्मच, एक तो बड़ा चम्मच है, आधा चम्मच काली मिर्च डाली है, और यहाँ पर डाला है जी एक अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं सफ़ेदी, और यहाँ पे दो चम्मच कॉर्नफ्लोर के। अच्छा दो पहले मैंने डाले थे, फिर मुझे कम लगा, फिर मैंने तीन डाल दिए। अच्छा इन चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे तो हाथ से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। मैंने चम्मच से मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद इसको ना 15-20 मिनट रख दिया था। जब तक हमारे उधर से यखनी भी तैयार हो गई तब तक हम इन चीज़ों को भी मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखें ये इस तरह का हो गया था जब इसको हमने सबको मिक्स किया ना, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी। यखनी भी यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि इसको कितनी देर है। अच्छा मेरे पास, अच्छा सूप में ना बर्तन भी बड़े इस्तेमाल हुए हैं, हमारे घर के सारे बर्तन ही इस्तेमाल हो गए। सुबह धोते टाइम बर्तन ना पता चला कि भाई हाँ घर में कुछ बना था। तो फ्राई पैन हमारा है नहीं, तो फ्राई पैन की जगह मैंने इस कटोरे में वो जो बोटियाँ ना इस कटोरे में मैंने फ्राई की हैं, क्योंकि देखते में यखनी बनी हुई थी, कढ़ाई में सूप बनाना था, तो मैंने कहा मैं फ्राई किस में करूँ। फिर फ्राई पैन तो था नहीं, मैंने इसी में भी फ्राई कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ घर में है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा वो जो है ना बोटियाँ सारी मैंने फ्राई कर ली थी, और उसके बाद यखनी में से जो बोटियाँ थी उनको निकाल के, तो उन बोटियों को उन मतलब हड्डी वाली बोटियाँ होती है ना, तो जो उसके ऊपर बोटियाँ थी उनको भी मैं रेशा रेशा यहाँ पे कर रही हूँ। और दूसरी प्लेट में वो जो मैंने बना के रखी हैं फ्राई करके, वो भी रखी हुई हैं। ये देखें ये तो मतलब चिकन पकोड़े की तरह ही बन गई थी। ये थोड़ी छोटी थी, अगर इनको तो साइज़ थोड़ा बड़ा होता तो चिकन पकौड़ा ही लगता। ये देखें वो भी मैंने रेशे कर लिए हैं, सब्जियाँ भी काट के रखी हुई हैं, और अब असल काम अब शुरू होगा, अब सूप बनाना शुरू करते हैं। अच्छा यखनी को छान लिया था हमने, आप देख लें अगर यखनी का पानी आपने ज़्यादा रखा है तो काफ़ी है उतना, वरना अगर आपको कम लगे ना तो आप उसमें फिर यहीं पे सादा पानी भी डाल सकते हैं। दो तीन बार मैंने सूप पिया है अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा तो खैर मैंने नहीं पिया, मतलब एक दो बार लेकर आए थे दुकान से, जैसे आते वो ले आते हैं ना आहत के पापा किसी जगह से ले आते होंगे, और एक बार जब हम उधर होटल में गए थे ना खाना खाने तो वहाँ पे मैंने पिया था। तो जाहिर है एक जो रेस्टोरेंट का होता है जायका वो तो एक अलग ही बात होती है, और जो आम दुकानों से मिलता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है। तो मैंने दोनों तरह वाले ट्राई किए हुए हैं, तो अब आज जो है ना अब घर में बना के देख रही हूँ, आई नो कि वैसा तो नहीं बनेगा जैसा होता है रेस्टोरेंट में, जितना भी आप घर में बना लो ना वैसा जायका नहीं आता। उनके जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन हाँ कुछ खवातीन जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं कुकिंग में, हाँ शायद वो बहुत अच्छा अच्छा बर्गर घर में बना सकती हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका होता है, बना लेती होंगी बिल्कुल। लेकिन मैं तो अभी नहीं हूँ ना उतनी एक्सपर्ट, तो मेरे लिए यही बहुत है कि बस जैसा भी बन जाए, बस बुरा ना हो, पीने लायक हो, ऐसा बन जाए। अच्छा यहाँ पे सब कुछ डाल दिया था ना, सब्जियाँ भी डाल दी थी, चिकन भी डाल दिया था, तो अब यहाँ पे ये मैं डाल रही थी सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। अम्मी यहाँ पे बाहर चली गई थी, तो फिर मैंने कहा अम्मी को ना बुलाऊँ, मैं खुद ही डाल लूँ, और वीडियो फिर एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं सब कुछ डाल रही थी। आज बेचारी अम्मी भी थक गई हैं, सूप बनाया ना जब हमने, तो क्योंकि अम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें उठा के देनी होती हैं, बर्तन ये वाला उठा के दे दो, वो वाला उठा के दे दो, ये मसाला उठा के दे दो, पीस के देनी होती हैं चीज़ें, तो अम्मी मेरी बराबर हेल्प करती हैं, तो आज अम्मी भी थक गई।
हमने सोचा था हम सूप बनाएंगे और शाम के खाने में, मतलब सालन में भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, लेकिन भाई सूप ने हमें इतना थका दिया कि हम सालन बनाने की हिम्मत ही नहीं बची। अच्छा, काफ़ी देर हमारा सूप जो है ना वो पक चुका है, तकरीबन आधा घंटा तो हमने उसको पकने ही दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ अंडे, एक अंडे की जो जर्दी है वो पहले वाले अंडे की भी रखी हुई थी, उसमें दो अंडे और शामिल किए हैं मैंने। थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और अब यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये डाल दूंगी अंडा। अच्छा, मैं कब से बोले जा रही हूँ, और मेन बात तो मैंने आपसे की नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आज जो हमारे सूप की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा घर में, वैसे तो आप लोग बनाते होंगे, बल्कि बहुत अच्छा बनाते होंगे, मैं तो पहली दफ़ा ही बना रही हूँ। मामू जब आए थे तो मम्मी के जो दवाइयों के रैपर थे ना वो मामू को दे दिए थे, तो ऐसा हम करते हैं कि जब ये दवाई जो होती है ना वो मतलब एक महीना इस्तेमाल करनी होती है, और एक महीने के बाद फिर अगर उसमें दवाई बची हुई भी हो तो भी उसको हम ज़ाया कर देते हैं, यानी कि ख़त्म, वो एक्सपायर हो जाती है, तो फिर हम दूसरी दवाई खोलते हैं। फिर ऐसा होता है कि जैसे महीना ख़त्म होने वाला होता है ना, एक दो दिन, दो तीन दिन पहले ही हम मामू को रैपर दे देते हैं कि जब आपका बाज़ार चक्कर लगे आज या फिर कल तो फिर आप ये ले आइएगा। फिर मामू एक दो दिन में जिस दिन भी चक्कर लगता है मामू का बाज़ार, तो वो फिर ले आते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई हम मामू को दवाई करिए और रैपर दें, पैसे दें, फिर कहें कि नहीं हमें आज ही ला के दे। नहीं, हम एक दो दिन पहले दे देते हैं और कहते हैं कि जब आपको ईजी लगे तो फिर आप ले आइएगा एक दो दिन में। अच्छा, यखनी हमारी तैयार हो गई थी बिल्कुल एंड में, फिर वो फ्राई किए हुए चिकन भी हमने डाल दिया था, और अब यहाँ पे कॉर्न फ्लोर में डाल रही थी जो कि पानी में घोल के रखा हुआ था। अब इसको मैं डालती जाऊँगी, और जितना आप गाढ़ा रखना चाहें उतना रख सकते हैं, हमने नॉर्मल ही रखा था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और ना बहुत ज़्यादा पतला था। मम्मी को दिया है, नादिया को दे आएंगे। अभी अच्छी लगती है ना। जब घर में कुछ अच्छा बनता है तो फिर बंदा आस पड़ोस में भी देता है। और ये डिश में निकाल लिया, ये अब्दुलात को बुलाती हूँ, गरम गरम पी ले। भाई सूप तो बन गया और माशाल्लाह अच्छा भी बन गया, लेकिन मैं तो भाई व्हील चेयर पे बैठे बैठे थक ही गई हूँ। आई हूँ मैं फौरन कमरे में, दिल तो मेरा कर रहा है मैं लेट जाऊं, लेकिन अब इसको गरम गरम पीना होता है, ठंडा हो जाएगा फिर, तो पहले इसको मैं पी लूं, फिर थोड़ी देर लेटती हूँ। अब तो लाहत को बुलाया है, वो भी आ रहा है। रेडी हमारा सूप, टंडना। देखें भाई, अब अब्दुल लाहत चेक करके बताएगा कैसा है। हजार में ज्यादा नंबर, माशाल्लाह पुत्र माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। वो मम्मी भी वहां पे बैठ के खा रही हैं। मम्मी आप कितने नंबर देंगी? मैं 100। ध्यान से गिरना चाहिए, आराम से। तो ये नादिया को भी भेज दिया, शुमाइला को भी भेज दिया। सालन तो फिर हमने कुछ बनाया नहीं था, नादिया ने बनाई थी दाल। तो अब्दुल्लाह फिर कह रहा था मामा मुझे घी वाली रोटी बना दो, बल्कि पराठा बना दो। फिर दाल के साथ पराठा बना के अब्दुल्लाह को दिया खाना। अम्मी ने भी दाल के साथ रोटी खा ली थी और मैंने भी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, सूप भी हमारा अच्छा लगा होगा उम्मीद है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।